राजश्री सिंह ने की वार्ड परिक्रमा, घर घर जाकर जाना जनता का हाल, अधिकारियों को काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी किया। पैदल चलकर उन्होंने वार्ड नापा। श्री सिंह ने कहा, तब कर ही सोना बनता है। शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह ने आज अधिकारियों के साथ नगर के वार्ड 2 और 3 की पैदल चलकर परिक्रमा की। तपती दोपहरी में विधायक घर घर पहुंची, वार्ड वासियों की समस्या से रूबरू हुई। प्रधानमंत्री आवास, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जहाँ अधिकारियों की लेट लतीफी दिखी, वहाँ अधिकारियों को फटकार भी लगाई। विधायक ने कहा, मैं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हर योजना को घर घर तक पहुंचाना चाहती हूं। विधायक राजश्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि मुझे किसी भी भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज कौन आया था आपके यहाँ पे? विधायक क्या कह के गई? वो जो कह गई थी आपके घर पे हमारी परेशानी है, हमारी परेशानी है, तो हम जो बोले आपका घर बन जाएगा और नहीं बने तो हमारा आपका घर बन जाएगा ऐसी उसमें, और जो परेशानी है हमारे लाने उन्होंने सब बोल दिया। अच्छा, इसके पहले आवेदन दिया था क्या आपने? नहीं दिया। और यहाँ कौन आया है? विधायक जी साहब आए। क्या देखा उनने आज? जो भी गरीबों की सबकी समस्या और जो गलत हो रही है, बिना सही समाधान करवे आई हैं और खूब मतलब अच्छे से काम देख रही हैं और गरीबों को काम कर रही हैं। अच्छा, उनके साथ अधिकारी भी हैं क्या? अधिकारी सब मतलब देख रहे हैं और सब मतलब उनको हम लोग गरीबों को सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्या घर घर जा रही हैं? घर घर जा रहे हैं और घर घर जा ही रही हैं और उनको समस्या पूरी देख रही हैं। अच्छा, ऐसा विधायक जी करने पर आप लोगों को कैसा लग रहा है कि अब काम हो जाएगा आपका? विधायक जी तो मतलब काम तो कर ही रही हैं और करेंगी और अब भी देख रही हैं। अब तो घर घर देख रही हैं तो होगा ही। और क्या क्या समस्या देखी उन्होंने? समस्या कुटीर की देख रही हैं, गली की देख रही हैं, नलों की देख रही हैं, मतलब सब व्यवस्था देख रही है। मतलब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है सर। बताओ आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबकी तो बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यहाँ मेरी जनता भी खड़ी हुई है। आप हर व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि मेरा हर हफ्ते में एक दौरा शमशाबाद का बनता है। हर व्यक्ति के पास मैं मंच से अपना फ़ोन नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हूं और उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति मुझसे जुड़ सके। मैं यहां पर कैंप भी लगा के गई हूं। अभी मैंने कैंप भी लगाए थे, कुछ ऐसा हुआ था, कोरोना बढ़ गया था तो फिर मैंने वो कैंप हमारे स्थगित हो गए थे। और हर वार्ड घूम ही इसी ले रही हूं। उसके बाद जब सारे वार्ड में घूम लूँगी उसके बाद फिर मैं एक बड़ा कैंप लगाऊंगी। जो लोग रह गए हैं, जो मजदूरी पे गए हुए होंगे, जिनकी कुछ समस्या है, जो कार्यकर्ता बीच में आपको भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है तो क्या एक्शन लिया? अरे आप समझ नहीं सकते कि मैं क्या कार्रवाई करने वाली हूँ, इसीलिए खुद देख रही हूँ। और सभी अधिकारी कर्मचारी को ये समझा दिया गया है, अगर मुझे ये चीज़ पकड़ में आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना कोई अधिकारी छूटेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।